सो हैगलिंग डिफॉर्मिटी में क्या होता है सर, यहाँ पर ना हड्डी बढ़ जाती है, वो हड्डी है ना चुभती रहती है चुभती रहती है, टेंडन काटती रहती है, जी टेंडन कमज़ोर करती रहती है, किसी भी गिरे टेंडन टूट गया। सो इसमें अगर टाइमली आ जाते तो इतनी बड़ी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं रहती, मैं दूरबीन से हड्डी खींच देता बस, कुछ नहीं करता मैं, दो छोटे करता है ऊपर छोटे यार, दो छोटे छेद से दूरबीन से हड्डी खींच देते बड़े से, ना तो कोई रिपेयर करना पड़ता ना कुछ। पर चलो वो तो गया, कम से कम दूसरे पैर का हम एक्सरे कर लेंगे, हाँ, हम वो तो उसको सेव करना उसको जरूरी सेव करने में, और उसमें कोई प्रिकॉशन भी नहीं है, अगले दिन चल सकते हो, जो हड्डी जो बड़ी हुई थी वो ख़त्म कर दी हमने, एक छोटा टाँका आया बस। सो मैं जब ये सर्जरी करूँगा ना और उसमें हड्डी बड़ी भी होगी, दूसरे पैर का एक्सरे कर लेते हैं तो उसको शेप ऑफ कर देंगे, क्योंकि उसमें आप वजन दे के चल सकते हो, उसमें सिर्फ हड्डी हटाई ना हमने, कुछ भी नहीं किया, तो टेंडन कमज़ोर नहीं किया। सीएम के गाइडेंस में होती है, जितनी जो हड्डी बड़ी होती है निकलती है, तो वो चीज़ें कर सकते हैं, तो दूसरे पैर का वो ख़राब भी नहीं होगा। आपको हाँ चांसेस तो होंगे इस पर बढ़ने के, उसमें भी चांसेस तो है ही ना सर, एक में बढ़ा तो दूसरे में भी बिल्कुल नेचुरली बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल चांस मेरे है। ऑपरेशन से पहले वेदांता में मैक्स में कई चीज़ का हो चुका है एक्चुअली, तो इसलिए हम अपने यहाँ ना करा के हम आपको सर्च किए पूरा, पर आपका देख के, कई लोग का देख के, पर आपका देख के हम सेटिस्फाइड हुए तब हम आए।